रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं और मार्च तक 17 राफेल विमान भारत की धरती पर होंगे। हमारी सेना ने अब पाकिस्तानी हरकतों को सीमा तक ही सीमित कर दिया है। जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना द्वारा की जाती है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। केंद्रीय बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति ही हैं भगवान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में दम तोड़ते किसानों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि देश के इतिहास में पीएम मोदी इकलौते निर्दलीय प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज होने वाले हैं। दम तोड़ते संघर्षरत किसान भाइयों व उनके परिजनों के दर्द को यूं नजरअंदाज करना आपकी फांसीवादी मानसिकता दिखाता है। उत्तराखंड में रविवार को ही त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में राहत बचाव कार्य जारी है। 27 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है। 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं कुल 153 लोग लापता हैं। बताया कि 40 से 50 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। शेष लोगों के मलबे में बह जाने की आशंका है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण 11,831 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण के चलते 84 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,08,38,194 पहुंच गई है और 1,55,080 लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जान गंवाई है। राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नागौर के पर्वत पर पहुंचे और सुभाष चंद्र स्टेडियम का जायजा लिया। इस मौके पर डोटासरा के साथ उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज देर शाम तक दिल्ली से जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मंगलवार को पायलट भरतपुर के जेसोरा में कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पूरे 21 दिनों के बाद आज से एक बार फिर जयपुर चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया था। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर चिड़ियाघर में पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सांसद अष्टपाली टांक, मुमताज मसीह, सुरेश मिश्रा सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की आज जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर जाकिर हुसैन को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत रत्न जाकिर हुसैन को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की प्रगति में उनकी भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता है।